अस्सलाम वालेकुम हुकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आंख नहीं खुली क्या? शिवो, रात को सही तरह से नींद नहीं आई। सारिम का स्कूल भी मिस हो गया। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारिम को स्कूल भेज दिया है। थैंक यू। आप कितनी अच्छी हैं। उफ, दिन में 10 मरतबा ये जुमला बोलती हो तुम मुझसे। भाई सारिम की मैं भी कुछ लगती हूँ ना, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं, तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। दानियाल भी आज ऑफिस नहीं गया है। जी, वो भी रात भर सही तरह से नहीं सो रहा है। क्यों, क्या हुआ है, क्या बात है बेटा? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। दानियाल ने कुछ कहा है? हैं? जी मैंने ही कहा है। मैं फैसला कर चुका हूं अम्मी, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं और राबिया को छोड़ रहा हूं। शादी? खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज भी आगे कुछ बोला। क्या हो गया अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? इतनी खफा क्यों हो रही हैं आप? शादी कर रहा हूं ना, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? शादी? शादी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो दूसरी शादी? क्योंकि मुझे पहली शादी से कुछ नहीं मिला अम्मी, ना दिल का सुकून ना मोहब्बत। इस मट्टी की बेजान गुड़िया से मुझे कभी कुछ नहीं मिला। तो बेजान मूर्ति किसने बनाया है? तुमने। दे दे मुझे सारे इल्जाम, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं बहुत जल्द ईमान से शादी कर रहा हूं। ईमान? ईमान से क्या कह रहे हो? होश में तो? मैं मुकम्मल होशो हवास में कह रहा हूं कि मैं ईमान से शादी का फैसला कर चुका हूं। ईमान फसी की बीवी है, तुम्हारे साले की बीवी है वो। बहुत जल्द नहीं रहेगी अम्मी, वो भी फसी से तलाक ले रही है। दानियाल ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम क्या कह रहे हो? तुम रिश्तों का तकद्दस भी भूल गए हो। प्लीज खुदा के लिए मुझे रिश्तों का तकद्दस का सबक मत पढ़ाएं। मेरा उससे कोई ऐसा शरई रिश्ता नहीं है कि मुझसे शादी ना कर सकूं। बेटा फसी फसी का तुमने सोचा है? उसको जब पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? उसकी बीवी पर नजर रखी हुई है। पता चलता है तो पता चल जाए अम्मी, वो भी फसी के साथ कोई खुश नहीं है जिस तरह मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। हम लोग जबरदस्ती उन रिश्तों में क्यों रहे जिसमें दिल की खुशी तक नहीं मिल सकती अम्मी? बेटा इतने दिलों को कुचल कर जब तुम उस रिश्ते तक पहुंचोगे तो क्या ये रिश्ता तुम्हें खुशी दे सकेगा? इसकी फिक्र मत करें, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। दानियाल बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे बेटा, एक दिन बहुत पछताओगे। पछता लेंगे, लेकिन आप परेशान हो, आपके पास नहीं आएंगे। खुदा के लिए दानियाल, खुदा के लिए एक दफा सोच लो, फसी से बात करने से पहले एक दफा सोच लो। सोच लिया जितना सोचना था। वो रही है मां, पूछ लें आपने से जो पूछना है, उसका जवाब भी वही होगा।